मुंबई मलाड पठानवाड़ी में अल हीरा फाउंडेशन की जानिब से आज यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। इस तकरीब में कुरार पुलिस स्टेशन के सीनियर ऑफिसर निकम साहब, अल हीरा फाउंडेशन के ट्रस्टी मुफ्ती नामुल्ला खान साहब, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल प्रेसिडेंट राशिद अजीम, शायर शाज रमजी, आमना सामना की शाहिन पटेल और तुलबा अजीज़ ने तिरंगे को सलामी पेश की। यौम आज़ादी के इस मौके पर राष्ट्रीय गीत गाया और अपना खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मुल्क की 72वीं आज़ादी के मौके पर तुलबा तालबात ने हिंदुस्तान की शान में, मुल्क की शान में गीत गाए और हिंदुस्तान की आज़ादी को सलाम पेश किया। अल हीरा इंग्लिश हाई स्कूल की इस यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर मुशायरा और कवि सम्मेलन का भी इनेकाद किया गया, जिसमें शोरा कराम और कवियों ने अमन आस्ती और भाईचारे का पैगाम आम किया और कौमी एकता की मिसाल पेश की। और जश्न मनाने का मकसद सिर्फ ये हो रहा है कि हम अपनी माजी को याद करें, अपनी तारीख को याद करें कि हमारा देश भारत किसी वक्त अंग्रेज साम्राज्य का गुलाम था। हम सभी हिंदू ब्राह्मणों ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और यहाँ के हर बस्ती वाले लोगों ने शाना बशाना कुर्बानियाँ पेश की, अंग्रेजों को यहाँ से बताया, अंग्रेजी साम्राज्य को की जड़ें यहाँ से उठा दी, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, हमारी कुर्बानियाँ इसकी आज़ादी में शामिल हैं। इसी तरह से जिस तरह हमने माफी में कुर्बानियाँ पेश की हैं, इसी तरह से आएगा भी अगर कोई ताकत, कोई कुवत, कोई साम्राज्य हमारे मुल्क की तरफ गलत नज़र से देखने की कोशिश करेगा तो हम आज भी अपने मुल्क के तहफ़ के लिए, अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, अपने भारत को बचाने के लिए, इसके अमन अमान को बाकी रखने के लिए हम अपनी जानों का नजराना, अपनी हर तरह की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार हैं। इसी मकसद के तहत हम अपनी तारीख को हर साल 15 अगस्त को, इसी तरह से 26 जनवरी को याद करते हैं। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारे अंदर हमारे बुजुर्गों जैसा जज्बा पैदा हो, हमारे बुजुर्गों जैसा हौसला पैदा हो और हम अपने मुल्क, अपनी कंट्री के तहफ़ के लिए, इसको डेवलप करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहें, तत्पर रहें और हमेशा मुस्तैद रहें। इसी मकसद के तहत प्रोग्राम मुनक़िद होता है। इसलिए हम अपने सभी बच्चों को, स्कूल के बच्चों से ये शेयर करना चाह रहे हैं कि आप जो आज का ये प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें आपने प्रेड किए, आपने इतना शिरकत कर रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं है कि फिर जश्न मना लें, बल्कि अपने बुजुर्गों की तारीख को याद करें कि उन्होंने इस मुल्क को डेवलप करने के लिए, इस मुल्क में अमन को कायम करने के लिए किस किस तरह की कुर्बानी दी। हम शुक्रगुजार हैं अपने तमाम मेहमानों के जो दूर दराज से यहाँ पर तशरीफ लाए और उन्होंने आज के प्रोग्राम को में जिला बख्शी और हमको तकलीफ दी, हमारी तारीफ की। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं पूरे डिपार्टमेंट के, मीडिया वालों के, अपने पेरेंट्स के और बाहर से आए हुए मेहमानों के और खासतौर से दूर दराज से आए हुए चौराहे के राम टेलीविज़न से ताल्लुक़ रखने वाले, डील से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे एक तरफ मनोरा सभी के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। खुदा भारत देश स्वतंत्र हुआ और हर हम 15 अगस्त को 15 अगस्त मनाते हैं। अब इस जगह में स्कूल जो चल रहा है उसमें बच्चे रुक पड़ रहे हैं, उनके लिए तो मैं दुआ देता हूँ
जो बहुत पढ़े और इतना पढ़े इतना पढ़े कि देश का नाम रोशन करे। कोई भी बच्चा हो बहुत अच्छी तरह पढ़ लिख के आगे बढ़े, जैसे अब्दुल कलाम जी अपने साइंटिस्ट होके गए। मेरा तो ये ख्याल है ये स्कूल का बच्चा उस तक जाना चाहिए, यही मेरा दुआ है। और मेरे को थोड़ा पुलिस स्टेशन से मेरे को साहब ने बुलाया, उसका हमें आभार और धन्यवाद।